राजस्थान विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए तो अच्छे कहे जा सकते हैं क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार जाती दिख रही है इस ओपिनियन पोल में। हालांकि अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी। हमारे साथ मौजूद है सुमेधानंद सरस्वती, बीजेपी के सांसद हैं सीकर से। सर, जिस जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो तो आप लोगों के पक्ष में जाते देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि कांग्रेस की जो जिस तरीके से योजनाएं हैं वो काम नहीं आ रही हैं? देखिए, धरातल पर जब हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी घोषणाएं तो कर रही है, परंतु उन घोषणाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो कहीं भी धरती पर आधार पर दिखाई नहीं देता है। और अशोक गहलोत जी की आदत है कि वो 4 साल तो लूटते हैं, उनकी सरकार की प्रवृत्ति है कि 4 साल लूटते हैं और लास्ट के 6 महीने में जाकर के उनको बांटते हैं। तो 4 साल जो आदमी परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, आप उसको 6 महीने में कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं? तो उसका कारण क्या है कि लोगों में भारी आक्रोश है। इन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार बिजली के बिल बढ़ाए। राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई, कोई भत्ता नहीं दिया गया। ये सब बातें लोगों को, जवानों को, किसानों को, सबको याद हैं और वो तैयार बैठे हैं इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इसलिए माहौल है। कल प्रधानमंत्री जी हमारी मेरी लोकसभा में सीकर में थे जी, जिस तरह से वहाँ पर भीड़ का एक जवार के रूप में, तूफान के रूप में वातावरण बना, कितने लोग उठे, कितने लोग आए। पूरा सीकर जो था 18-18, 20-20 किलोमीटर तक गाड़ियों लाइनें लग गई, पंडाल में पैर रखने को जगह नहीं रही। और प्रधानमंत्री जी ने तभी कहा था कि ये भीड़ ही बता रही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा आने वाले चुनाव में। उस भीड़ को देख करके ही प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और वो ऊंट का तो हमें पता है किस करवट बैठेगा, अशोक गहलोत का ऊंट तो उलटने वाला है। तो फिर आप लोगों का अपना क्या आकलन है, कहां तक जो है पहुंचते दिख रही है बीजेपी और लोक, फिर चाहे वो विधानसभा की बात हो या लोकसभा की? आज की डेट में अगर हम, क्योंकि मैं तो फील्ड में रहता हूँ, हम 150 पार कर रहे हैं 200 में से, और 10-12-15 निर्दलीय आते हैं कांग्रेस के, वही एक फॉर्चुनर की सवारी, एक बस की सवारी। हम पहले कहते रहे हैं, पहले हमारे 163 थे, कांग्रेस के केवल 21 थे। विपक्ष का नेता बनने के योग्य भी आंकड़ा उनके पास नहीं था। इस बार भी यही स्थिति रहती दिखाई दे रही है। तो 150 से तो ऊपर हमारी संख्या आज दिखाई दे रही है और आगे आगे ग्रोथ करेंगे, यही मेरा आंकलन है। यानी साफ तौर पर 150 कम से कम सीटें आएंगी और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, ये कहना है बीजेपी सांसद का। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।